एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर सेकंड से सेकंड पार्ट। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की थ्राइस थी, 3 टाइम थी। 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब आगे की बात हो रही है, 10 साल बाद नूरी हो जाएगी ट्वाइस, डबल, दो गुना एज ओल्ड एज सोनू, जितनी उस वक्त सोनू की एज होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो इसके अंदर जो दो चीजें हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए वो है नूरी की एज और सोनू की एज। तो लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड द सेकेंड वन इज एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। अब आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, वो कहता है कि 5 ईयर्स एगो कंडीशन क्या बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कब की बात हो रही है, आज से 5 साल पहले की है। तो अगर आज नूरी एक्स ईयर की है तो 5 साल पहले वो क्या हो गई, 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। अगर आज वो 20 ईयर्स की है या 50 ईयर्स की है तो 5 ईयर्स पहले, 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, 50 माइनस 5 45। ऐसे ही अगर आज सोनू 20 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स बिफोर या 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 50। अब हमारे अकॉर्डिंग तो एज एक्स और वाई है, तो इसने कहा 5 ईयर एगो नूरी वॉज, तो नूरी कितनी थी, एक्स माइनस फाइव, वॉज मीन्स इक्वल टू। आगे कहा गया नूरी वॉज आपको दिखाई दे रहा वहां पे लिखा हुआ थ्राइस, दैट इज 3 टाइम्स। आगे लिखा गया एज ओल्ड एज सोनू, उस वक्त सोनू कितना था, वाई माइनस फाइव, ये आपकी पहली कंडीशन है। इसमें सेकंड कंडीशन के बारे में क्या लिखा गया है, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी का क्या होगा, एक्स प्लस 10 और सोनू वाई प्लस 10। तो इसने कहा नूरी विल बी मीन्स इक्वल टू, आगे कहा गया ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इनको सही ढंग से आपको लिखना है, ये बनेगी एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 3y माइनस 3 5 15। और अगर हम 3y को लेफ्ट में लेके जाते हैं तो माइनस 3y, ये माइनस 15 प्लस 5, क्योंकि माइनस 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2y प्लस 10 टू जा 20, नाउ एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में x के जो आगे नंबर है वो सेम है, 1 है, तो दोनों इक्वेशंस को लिखिए, एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अगर जिस वेरिएबल को हमें कैंसिल करना है उसके साइन सेम ना हो, सॉरी सेम हो, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगर हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो भी लिखी गई है उसकी सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस वाई, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, और माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल टू 20। अब जो आपकी y की वैल्यू निकली आप उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप अपनी सिंपल इक्वेशन देख लीजिए, आपको जो भी सिंपल है जैसे सेकंड है उसमें माइनस का साइन नहीं है। आप कोशिश करो कि आप ऐसी चीजों से बचें जो आपकी गलतियां करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक हो सकती है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, इक्वेशन गलत हो जाती है, तो हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो हमें माइनस पे भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं माइनस की वजह से गलती तो नहीं कर ले। पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10, और हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई है, 20,
then it will become x minus 40 is equal to 10. X is equal to 10 plus 40, then the value of x is equal to 50. हो गया? अब ये 40, ये 50 और 20 हमारे आंसर नहीं है, हमारे आंसर है एज ऑफ नूरी और एज ऑफ सोनू, तो हमें वहां पर क्वेश्चन को खत्म करना है. एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 50 इयर्स और एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 20 इयर्स और यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म. ये हमारे आंसर है.